और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर आज मुझे पार्टी में जाना है, शादी है, लड़की की शादी है तो वहीं पर जाना है, तो इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्रीम लगा ली है, जो अपनी लगाती हूँ, लकमे की, जो फाउंडेशन वाली होती है ना, जिसमें फाउंडेशन वगैरह मिला होता है, तो इसके ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाना पड़ रहा है, तो मैं उसी क्रीम को लगा रही हूँ। मैं उसका नाम भूल रही हूँ, तो उस क्रीम को लगा लिया है। सबसे पहले मैंने अपना जो है मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया है, जिससे कि फेस ड्राई ना रहे, और फिर इसके बाद अपनी ये लकमे की ये क्रीम लगाई है, और उसके बाद मैंने फेस पाउडर लगा लिया है। और फेस पाउडर लगाने के बाद अब मैं लगा लूँगी काजल, और इसी काजल से ही ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो पर भी फिल कर दूँगी, और फिर इसके बाद अपनी लिपस्टिक लगा लूँगी और बिंदी लगा लूँगी और हो जाऊँगी रेडी। और एक तरफ मेरा बाबू भी रेडी हो रहा है और पतिदेव भी अलग साइड में रेडी हो रहे हैं। तो पहले तो बाबू यहीं रेडी हो रहे थे, बट हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन है, तो वो फिर यहाँ से हट गए हैं। तो चलिए मैं रेडी हो लेती हूँ। और हाँ, एक एक चीज़ तो कहना भूल गई कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये मेरे पतिदेव जो है वो भी तैयार हो चुके हैं। उनसे मैं बोल रही थी कि दूसरा जैकेट पहन लो या दूसरा कुछ पहन लो, तो बोलते हैं नहीं, पास की ही शादी में जाना है, तो उन्होंने अपना ये जो है ये जैकेट पहनी हुई है। और बाबू भी मेरे यहाँ तैयार हो गए, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि मम्मा मेरे भी ये क्रीम लगा दो, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उनको भी मैं ये क्रीम लगा रही थी, और फिर उनसे बोला कि अब मतलब कि इसके ऊपर और कुछ भी मत लगाना, क्योंकि अगर वो लगाते तो ये ज़्यादा हो जाता, वाइट मतलब फेस पर वाइट वाइट ज़्यादा दिखता, तो इसीलिए वो मुझसे बोले कि मम्मा आप लगा दो, क्योंकि एक बार ये लगा चुके हैं तो इन्हें पता है कि इनके लगाने से वो फेस ज़्यादा मतलब फेस ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले उसको पहन लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं बाल को भी सही करना। पहले तो मैंने साड़ी पहनी थी, मुझे लग रहा था कि मैं खुले पल्ले में साड़ी पहनूंगी, क्योंकि खुले पल्ले में साड़ी अच्छी लगती है, लेकिन गाड़ी पर बैठना था, तो इस वजह से मैंने फिर पल्ले को खुला नहीं किया, प्लेट बना लिया था उसमें, जैसे कि ऊपर प्लेट बनती है उस वो बना लिया था, क्योंकि अगर खुले पल्ले में बैठती मतलब पहनकर बैठ ना पाती, क्योंकि 3 लोग हो जाते एक गाड़ी पर, तो बैठते ना बनता,
दो लोग होते तो ठीक था, लेकिन तीन लोग हो जाते तो फिर बैठते नहीं बनता, तो इसलिए मैंने फिर खुले पल्ले से प्लेट बना लिया था। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और बालों को तो मैं खुला करने वाली हूँ, क्योंकि बाल तो ज़्यादा लंबे है भी नहीं, जुड़ा भी नहीं, चोटी भी नहीं। और अधिकतर मुझे क्या है कि शादी पार्टी या कहीं भी जाने में, पार्टी वगैरह जैसी जगह पर, तो मुझे खुले बाल ही पसंद हैं, ना चोटी ना जुड़ा, कुछ भी नहीं, केवल खुले बाल। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को बना लूँगी और साड़ी की जो प्लेटें हैं उनको भी सही कर लूँगी।변했다고 말을 하면 나를 비웃겨. 근데 나는 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데. 예뻐지고. ये मैंने बना लिए साड़ी में प्लेट, और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो बताइएगा कि साड़ी मेरी कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं पार्टी में, तो यहाँ पर मतलब सब आ रहे हैं जा रहे हैं और सब चीज़ की व्यवस्था ठीक ठाक है। तो दरअसल ये मेरे यहाँ इनके फूफा के लड़के की लड़की की शादी है, तो जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। और अभी आप लोग लड़की यानी दुल्हन को भी देखेंगे, तो इतनी प्यारी वो लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन बारात नहीं आई थी तो हम लोग जल्दी चले आए थे। और ये पतिदेव मेरे गए हैं, टिक्की बनवा रहे थे, और यहाँ पर बैठकर हम लोग खाना खा रहे थे। तो ये देखिए, ये दुल्हन है, इतनी प्यारी ये लग रही थी, वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। और दुल्हन लोग तो वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं। और ये हैं बुआ, तो इन्हीं इन्हीं